माँ परवीन ज़ादी हाउस ऑफिसर आया पीएमसी नवाबशाह पम्स यूनिवर्सिटी ऑफ नवाबशाह जी मूसा जो वाक्यो थो अजा ती कानूनी कार्रवाई ना कई वही जी जवाबदार जिन्हें जहाँ नाला दिना व्यान उ अजा ती आज़ादी से घुमन पाया उन्होंने स्पेस दिनों पो वे अजा भी उन्होंने का भी कार्रवाई ना कई वही मां शुक्रगुजार आया मां दादू प्रेस क्लब वाली सोशल मीडिया वाले की मां शुक्रगुजार आया मां हथ बधी मां शुक्रगुजार आया मुखे उन्होंने एतरो सपोर्ट कयो मुसा एतरो साथ दिनों उन्होंने इंशाल्लाह मुखे उम्मीद है मुझा भाईर मुझे भेणू अगते भी साथ दींदा मां इन्हें के सजा जी गुनहगार आन इन्हें के सजा जरूर मिली जी जानू पखर में टंगी वेंदियों आन जिन्हें के करार दिनों वो इन खुदकुशी कई आज का पो या मां अहद थी क्या मां वायदो नथी करे सगा मां उनन जी अमड़िन सा यो वायदो नथी करे सगा ता मां उनन के इंसाफ दियारे सगंदस भी या न लेकिन मां एतरो जरूर थी चई सगा ता इंशाल्लाह इंसाफ थींदो मां एक परवीन जादी रिंद बलोच जदी मु एक्शन कयो आ इंशाल्लाह मां पांजे हन बुनियाद ते मां कायम रहंदस मां इनन जालिमन के सजा दियारे रहंदस इंशाल्लाह मां पांजे कौम रिंद कौम जी इज्जत लाज रखंदस मां पांजी सिंध जी लाज रखंदस मां पूरे पाकिस्तान जी न्याणी आया मां पांजी सिंध जी न्याणी आया अड़न वेशन दरिंदन के भी खबर पे तो सिंधी न्याणी जी रोड ते कतल कयो वेंदियों आहिन सिंधी न्याणी जी पखन में टंगी वेंदियों आहिन उन्हें जे खून आन उ सस्ता ना मसलो जो गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत मुख्य वक्तन सिर वक्तन हरासमेंट कंदो रहो मुखे छा बल्कि जेके घणी छोकरियों आन उन्हें हरासमेंट कंदो रहो इन्हें जी एकड़ो बहुत कमेंटी ठहल आहे जेके मां नाला जी करी खणा भी त उहे थोरा हूंदा इन्हें जी एकड़ी बहुत पंहिंजी कम्युनिटी आ मां सुबुह जो 9 बजे पंहिंजे कमरे हॉस्टल में वेठी हुयसि फरीन आतिका आयूं उन्हनि मुंहिंजो दरवाज़ो बंदि कयो गले में घुटा ॾिननि मारण जी कोशिशि कयनि मूं ते तशद्दुद कयनि मां पहिरियां बि लाइव ॾेखारियां मां वरी बि लाइव ॾेखारियां थी छा असां सिंधी जेके न्याणियूं आहियूं उहे असांजा खून ईअं मारे फिटी टंगिया वेंदा उन्हनि खे इहो ई चयो वेंदो त हिननि खुदकुशी कई आहे जॾहिं असांजा पेरेंट्स असांखे कॉल कंदा आहिनि पुट कीअं आहियो असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं अम्मा बाबा असां ठीकु आहियूं असां उन्हनि सां का ॻाल्हि न आहियूं कंदा सिंधी न्याणियूं या जेके बि न्याणियूं आहिनि मजबूर थी करे का बि कंहिं सां ॻाल्हि न आहिनि कंदियूं छो जो उन्हनि जी इज़त ते वेंदी आहे ॻाल्हि उन्हनि खे दॿायो वेंदो आहे जेकॾहिं तव्हां का ॻाल्हि ॿाहिरि कढी तव्हांजी एडमिशन कैंसिल कई वेंदी जी हा मूं कई मूं मजबूरी तहत वालदेन सां मूंखे करणी पई छो जो मूंखे तमामु घणो तंग कयो वियो इलाही सारो मूं ते टॉर्चर कयो वियो असां एप्लीकेशन दर्ज कराई लेकिन उन ते का बि कानूनी न कार्रवाई थी न कमेटी हुननि चयो ठीकु आहे बाबा इनशाला का हिन ते इंक्वायरी थींदी लेकिन असांखे को रिस्पॉन्स न मिलियो का बि इंक्वायरी न थी मेरा यही मुतालबा था इन जो जो भी ये जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज थी वो अभी तक सरे आम घूम रहे हैं उनको उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं की गई उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनको स्पेस दिया जा रहा है मेरा यही मुतालबा था कि उनको गिरफ़्तार किया जाए मैं आज नवाबशाह गई मेरे पीछे बहुत गाड़ियाँ लगी मुझे इन बहुत तकलीफ़ों के साथ मुझे नवाबशाह पहुँचना पड़ा और इतनी तकलीफ़ मुझे फेस करनी पड़ी मुझे कोई सेफ्टी नहीं दी गई मुझे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई मेरी जान को खतरा है मेरे पेरेंट्स को खतरा है मुझे धमकियां दी जा रही है ब्लैकमेल किया जा रहा है आपको मार दिया जाएगा किसी सड़क पे आपको मार दिया जाएगा नवाबशाह रोड पे आपको मार दिया जाएगा नवाबशाह सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं जो हमें लाइव धमकियाँ दे रहे हैं कॉल पर धमकियाँ दे रहे हैं हाँ बहुत सारे लोग हैं नहीं वो मेरे नहीं हैं वो उस बच्ची को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उसने इतनी हिम्मत करके कि स्क्रीनशॉट मेरी तस्वीर के नीचे लगाए हैं और इस टीचर को भी उसने जाहिर किया है कि ये हरासमेंट करता है और ये ब्लैकमेल कर रहा है मैं उस बच्ची को सलाम पेश कर रही हूँ बच्चियाँ बात न आगे नहीं पहुँचा दी क्योंकि उनको धमकियाँ दी जाती हैं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बच्चियाँ हरासमेंट होती होती फिर उनको मारा जाता है और नाम दिया जाता है खुदकुशी का सिस्टर इसमें वाइस चांसलर ये कह रहे हैं कि 5 सालों में कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई
दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि हॉस्टल से मुंतकिल करने पर उन्होंने शोर किया है, इस बात में कितनी सदाकत है? एक तो वाइस चांसलर जो है गुलशन मेमन, उनको इतना वक्त नहीं है। जब आप मेरी पिछली रिकॉर्डिंग देखेंगे तो शायद उसने बोला था मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बच्ची से पूछूं, मैं बिजी था। जब इतना वाकया हुआ है, मैं ए सेक्शन थाने पे बैठी हूँ, मैं हुमन थाने पे बैठी हूँ, उसको ये पता नहीं था कि हमारी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी फैमिली का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी बिल्कुल। तो उस सिलसिले में जो सूबाई वजीर है सैयद मैडम हजरा बिचू, उन्होंने ये कहा कि हमने इंक्वायरी कराई है, आप क्या समझते हैं कि आपका खानदान जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, आपको इंसाफ मिलेगा? मैं यकीन से तो नहीं बोल सकती, बड़ी अफसोस की बात है, अभी तक किसी ने मेरे साथ रابطہ नहीं किया, कोई मेरे पास आया नहीं। मैं पूरी सिंध की, पूरी पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ जो भाई बहन एक साथ मिलके मेरा साथ दिया। मैं मीडिया वालों, सोशल मीडिया वालों की मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आज तक, अभी तक मेरा साथ दिया। आज तीसरा दिन है इस वाकये को, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया और मैं इनसे उम्मीद और कोई भी नहीं रख सकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सपोर्ट देंगे, मुझे इंसाफ देंगे, लेकिन हाँ मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मैं अपने कदम जो है पीछे नहीं हटाऊंगी। अभी आपने कहा है कि आपने जो है शिकायत भी दी हुई है, वाइस चांसलर कह रहा है कि 5 साल के दरमियान कोई भी शिकायत नहीं मिली है। मैंने वही बात बोली कि वाइस चांसलर के पास टाइम कहाँ है। वाइस चांसलर अगर आप अपनी ऑफिस में बैठे तो शिकायतें आए ना। हमने एप्लीकेशन दी थी, शायद वाइस चांसलर को वो ही नहीं पता कि हमें एप्लीकेशन मिली भी है या नहीं। वाइस चांसलर को हमने एप्लीकेशन दी थी जो जिसमें बोला गया था हम इंक्वायरी करेंगे, कम्युनिटी जोड़ेंगे, तब से लेके शायद अभी तक इनकी कम्युनिटी जोड़ी जा रही है। ये ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो जोड़ी जा रही है, और हमें उनकी कम्युनिटी पे कोई भी यकीन भरोसा नहीं। वो बंदे जो जवाबदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, शायद इसी में बड़ी सियासत का ही हाथ है। बात तो मैं यही करूँगी, बोलूँगी पहली गाल तो मैं यही चवंदस त मुख्य इन्हनि जी कम्युनिटी पे को भी यकीन कौन है। मैडम अजरा की जड़ी मुँह रोई दाह दिनी तो जी मल माँ निशान जी अचानक से माँ वही मैडम अजरा की जड़ी मुँह रोई दाह दिनी माँ जड़ी निशाना देखा मास। मैडम अजरा यही चाहने लगी बेटा आप थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, आपके साथ इंसाफ होगा और आप बैठे यहाँ पे। मुझे मुख्य 3 घंटा थी वी माँ बैठी हुई बाहर दरवाजे का, मैडम अजरा आई हली वही यो ही चाहिए बेटा आपके साथ इंसाफ होगा। किथे आए पो इंसाफ? एक माँ थी करे, एक धीए जो जो सो रोण उन आहू बुधी करे वहाँ हली वही पुठी दई करे पा, मुखे अफसोस आए। मुखे मां वरी भी रिक्वेस्ट थी किया, मां सारी सिंध के रिक्वेस्ट थी किया, मां सब सिंधिन भाइरन के सोशल मीडिया के मां रिक्वेस्ट थी किया, मु कदम अगते वधायो आ है, मु सामी सब साथ जो ना है। तो इन जो ग्रुप हुंदो आ, ग्रुप आ है बल्कि जे मिली करे न्याणन के तशद्दुद कंदा आइन, हरासमेंट कंदा आइन, उन खा पो जको आ सो पखन के लटकाए करे आइ पो चयो विंदो आ तन खुदकुशी कई आ। जेडी मल मुसा डी डिठे मुसा वाक्यो थियो आइ जे मां जडी बाहर रड्यू करे आइ नितस जेडी मल मुखे भितिन में हयो वयो विंग में, पूरी हॉस्टल मुजी यूनिवर्सिटी जे अग्या मुखे मारयो वयो, मुखे केर छडाण ना आयो, पूरी यूनिवर्सिटी दिसे पई। जेडी मल मां आहूं भरे मैडम अजरा ने व्यस मां रोइण लगे सई, मैं मां मैडम के दान इनी उन टाइम में मुखे को रिस्पोंस न मिलियो, मुझे इंसाफ न थियो। थोड़ी देर का पो सजा यूनिवर्सिटी जा गेट बंद कया व्या, मुखे पेरेंट्स सा मिलन न दिनो वे, मुखे गालायो न गालण न दिनो वयो। जी असा वट प्रूफ्स आहिन, कुछ जे के प्रूफ्स आहिन जे के असा कोर्ट में कंदासी देखारींदासी, इंशाल्लाह सब दिसंदा आई इनन के असा सजा जरूर दियारींदासी। आई ये लाइक ना है इन्हन सीटन ते वेहन ते, ये वेशी दरिंदा जेके इनसे इन्हन सीटन ते वेहन ते लाइक ना है, इन्हन के लायो वने। अगर मुखे मां भजी करे जान न छड़ाया हाँ, शायद पो मुझो भी पखे में लाश टंगियो वने हाँ, इहो ही चयो वने हाँ, तो अज परवीन रिंद खुदकुशी करे मरी वही। शायद पो तड़ी एक्शन खयो वने हाँ, शायद पो तड़ी चयो वने हाँ, तो परवीन खुदकुशी कई आई हाँ जेको आ सो इंक्वायरी कई वने। हाउस जॉब कंटिन्यू कंदम या मां? जी बिल्कुल मां हाउस जॉब कंटिन्यू कंदम।
मां अगर मां हाउस जॉब कंटिन्यू कंदा मुखे तहफुज़ ही न तो मिले मां आज भी नवाबशाह व्यस त मुखे जो को रस्ते में इलाही तकलीफूं फेस करनी पयो मुखे न सिक्योरिटी दिनी वई मां हाउस जॉब कंटिन्यू कंदस लेकिन मुझे यहां रिक्वेस्ट आ मुखे सिक्योरिटी दिनी वने मुखे तहफुज़ दिनो वने मुजो पेरो मन था हाउस जॉब जो को अन्या कंप्लीट ही ना है जो त मुसा हे वाकयास थिया आदि आवा चो प्या त जिके आवा सा तशद्दुद हुआ उन जा एविडेंस लेके आवा कोर्ट में दो छा आमी इंतजामिया के खिलाफ कोर्ट में भी दो जी एफ आई आर थी तो जाहिरी गाल एंड ती वस रुक न सिंधी भैर मुसा गड भेणू मुसा गड पूरी सिंध मुसा गड मुझी बरादरी सिंध बलोच मुसा गड आते न हटंदस पूरा पाकिस्तान मुसा गड आते हटन वाली ना आया चाहे मुखे रोड से मारो छो न वे चाहे मुखे रस्तन से छो न मारो वे मां इंसाफ वठी रहंदस मां उन्हनि न्याणियुनि जो बि इंसाफ वठंदस जेके अञा ताईं हरासमेंट में आहिनि मां उन्हनि न्याणियुनि जो इंसाफ वठंदस जिन्हनि खे पखे में टंगाए खुदकुशी जो नालो ॾिनो वियो। 9 वॻे जो टाइम हो मूंखे कॉल कई मूंखे ॿुधाई चाचा मूंखे यूनिवर्सिटी में क़तल करण जी कोशिशि कई वई आहे मूंखे क़तल था कनि ऐं मूंखे बचायो। हिन जी फ़ोन ते हिन जे चीकुनि जो आवाज़ु बचे पियो त मुंहिंजो पुटु तव्हांखे केरु थो क़तलु करे चई त जेको आहे ॿ वार्डन आयूं आहिनि ऐं उहे मूंखे क़तलु करणु थियूं चाहिनि ऐं मूं भॼी पंहिंजी जेको आहे ॿाहिरि जान छॾाई आहे ऐं तव्हां जल्दी अचो न त मूंखे इहे क़तलु कंदा। पोइ मां हितां नवाबशाह वयसि ऐं नवाबशाह में वञी जेको आहे सो हुते नंढी खे पी एम सी मां जेको आहे सो दरवाज़ा न पिया खोलिन पोइ साफ़ी बिरादरी जा दोस्त आया जिन दरवाज़ो खोलायो ऐं पोइ नंढड़ी असांजे हवाले जेको आहे थी ऐं असीं नंढड़ी खे वठी ऐं ए सेक्शन थाणे ते वियासीं जिते असांखे चयो त तव्हांजी एफ आई आर हिते कोन थींदी असांखे अख़्तियार कोन्हे वुमेन थाणो एफ आई आर दाख़िलु कंदो। असीं वरी वुमेन थाणे ते वियासीं ओॾीमहिल असांखे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलियो जेकी मेडिकल रिपोर्ट अची चुकी आहे त बाबा तशद्दुद जा निशान वाज़े आहिनि। पोइ असां जेको आहे उहो मेडिकल रिपोर्ट कराए वरी थाणे ते वियासीं राति जो 1 बजे ताईं असीं थाणे ते वियासीं लेकिन असांजी एफ आई आर कोन थी। असां सुबुह जो ॿीहर जेको आहे इतिजाजी धरणो ॾिनोसीं उनखां पोइ जेको आहे हिननि असां वटि असां ॻाल्हियूं कयूं उनखां पोइ हिननि एफ आई आर असांजी लॉन्च थी वई आहे पर हिनमहिल ताईं का बि गिरफ़्तारी अमल में कोन आई आहे। ही तमामु वॾा बासर आहिनि। हिकिड़ी त कंहिं मिनिस्टर जी जेको आहे सो भाइटी आहे उहा माई ऐं उनखां पोइ ॿियो बि हिकिड़ो माण्हू आहे जेको बासर आहे उनजी जेको आहे सो घरवारी आहे। असीं तव्हांजे तसलसल सां मुतालबो था कयूं त ही जिन जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ु एफ आई आर लॉन्च थी आहे अॼु बि असांजो एहतजाजी मुज़ाहिरो हुयो हुते प्रेस क्लब जे अॻियां दोस्तनि असांजी जेको आहे हेल्प कई आहे असां उते वियासीं उहो एहतजाज असां रिकॉर्ड करायो ऐं असां पंहिंजी घुर कई त हिनखे फौरी तौरु गिरफ़्तार कयो वञे। उन में बि असांखे जेको आहे नवाबशाह में अॼु तमामु घणो हिरासा कयो वियो अॻियां पोइ असांजी गाॾियूं लॻियूं पर अलहमदुल्ला असीं वापसि खेर खेर असां अची वियासीं। असांखे बिल्कुलु जेको आहे सो तहफ़ुज़ात आहिनि असांजी नंढड़ीअ खे जेको आहे ज़िंदगीअ जो ख़तरो आहे हिनखे जेको आहे सो सिक्योरिटी ॾिनी वञे। असांजे चीफ जस्टिस साहिब खां मुतालबो आहे त नंढड़ीअ खे जेको आहे सिक्योरिटी ॾिनी वञे न त शायदि ई नवाबशाह जे रोड ते हिनजो लाश मिलंदो ऐं असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजी नंढड़ी खे जेको आहे सो यूनिवर्सिटी में तालीम जेको आहे सो पूरी करायूं ऐं इनशाला ही जेको आहे सो पंहिंजो कंप्लीट जेको आहे कोर्स कंदी। असां वधीक जे लाइ अॼु साफ़िनि वटि हिते आया आहियूं ऐं दादू जे चारि जवाबदार आहिनि ऐं उनखां पोइ असीं अॼु जेको प्रेस क्लब ते आया आहियूं दादू जे साफ़िनि जो शुक्रियो अदा करणु आया आहियूं। कल्ह जेकी असांखे कवरेज ॾिनी हुआसीं त नवाबशाह हुआसीं पर पोइ बि दादू जे साफ़िनि निभायो ऐं असीं दादू वासी आहियूं असांजो फ़र्ज़ु आहे हितां जे प्रेस क्लब जे सदर असां ते महिरबानी पहिरियां बि कयूं आहिनि ऐं हाणे बि असांजो साथ ॾिनो अथसि उनजे लाइ असीं हिते कई आया आहियूं अॼु शुक्रिया अदा करणु आहियूं ऐं अॻिते लाइ जे बि असीं जेको आहे उमेदु था रखूं त असांजी मदद कयो ऐं असीं हिन शहर जा वासी आहियूं असांखे जेको आहे सो इंसाफ़ मिलण में तव्हांजी मदद जी ज़रूरत आहे ऐं उनखां पोइ ऐं तव्हांखे ॿुधायां त अॼु असांखे हिकिड़ी फ़ोन आई त असांजे जेको डी जी हेल्थ आहे उन असांजी हिकिड़ी कमेटी तशकील ॾिनी आहे त तव्हां असां वटि अचो असां जी हिकिड़ी कमेटी आहे तव्हां असां वटि बयानु रिकॉर्ड कराए जिते असां उनखे चयो आहे त बाबा असां जेकी हिननि जी जेकी आहे जी आई टी असां उन वटि कतन जेको आहे सो पेश कोन थींदासीं ऐं असां उन में इंसाफ़ जी उमेदु नथा सम्झूं असां कंहिं बि जी आई टी वटि जेको आहे पेश कोन थींदासीं असां जेको आहे सो हाणे असांजो केस अदालत में आहे असीं उते पासू कंदासीं।